उस वाली वीडियो में आपने देखा था ऊपर हमारी कंपनी का टेरेस में। अब ये मेरे ब्लॉग का चैप्टर 1 ब्लॉग 2 है। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं टेरेस पे। जैसे देख सकते हो ये विंडो एसी का आउटर है, ये टेरेस पे इंस्टॉल है, टू स्टार का है। ये देखिए दिखाई दे रहा है आप, और ये देखिए, चलो इसे मैं दूर से दिखाता हूँ। ये जो है ये रेड कलर का टैंक है, ये जो आप देख सकते हो ऐसा, और ये जो जनरेटर्स की चिमनी वगैरह निकली है, निकली हुई है। ये टैंक जो होता है ये बेसिकली जो वो वहाँ पे कूलिंग टावर देख रहे हो उसका पानी मेंटेन करने के लिए होता है, सॉरी उसका नहीं, जो ये हमारी चिलिंग सिस्टम की लाइन होती है उसमें जो पानी वेक मॉइस्चराइज हो जाता है, क्या इससे वाष्प हो जाता है, उसको मेकअप करने के लिए। ये देखिए लाइन कनेक्ट है, अगर ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से निकल जाएगा ये ऐसे होके। ओवरफ्लो के लिए ये देखिए ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, और जब लाइन में अगर पानी कम होता है तो ये देखिए नीचे, ये यहाँ पे देखिए लाइन पाइप कनेक्ट है, और ये यहाँ से इधर लाइन में कनेक्ट है। ये देखिए साफ में आपको पाइप दिख रहा हो, इसमें अगर ये लाइन पाइप है ना, ये जो इसमें अगर वाटर पानी की कमी होती है थोड़ा बहुत भी अगर कम होता है तो इसे मेकअप टैंक होते हैं, इससे कर लेता है मेकअप ये। अब मैं आपको ये जो लगी हुई है इसको इसके बारे में बताऊंगा, ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इसे बोलते हैं फ्रेश एयर मशीन। जो फ्लोर में कंपनियों में हाई राइज बिल्डिंगों में जो एच यू वगैरह या हीटिंग में एच वी ए सी में जो अंदर फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है तब हम लोग इसे चलाते हैं। ये इसके अंदर एक रोटेटिंग मोटर है, साफ्ट है, ये सारा इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या लगा हुआ है। इसके फिल्टर है जो एयर फिल्टर करके अंदर भेजते हैं, वो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी अंदर हो जाती है तो इसे चलाया जाता है सुबह सुबह फ्रेश एयर देने के लिए, बाकी फिर वही अब एसी चल जाते हैं तो वही सर्कुलेट होती रहती है। ये देख सकते हैं मैं इसे बंद कर देता हूँ, फायर के दौरान फायर में अगर बिल्डिंग में स्मोक हो जाता है, आग लग जाती है, तो उसके लिए एक फ्रेश एयर अंदर भेजने के काम करता है, दूसरा स्मोक को बाहर काम करता है। इसलिए एक एग्जॉस्ट और एक प्रेशराइज बोलते हैं जिसको, प्रेशराइज में फोर्स के साथ उसे अंदर डालता है फ्रेश एयर को। इससे क्या है अंदर हवा जाती है ताज़ी और उसके अंदर से एक स्मोक खींचता है। ये ऐसे ये देखिए साफ में बेचता है, जो हरी बिल्डिंग में एक साफ्ट होती है और कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल सब में यही होता है। और ये जो आप देख रहे हैं फैन सक्शन जिसमें लिखा है, ये सेम फ्रेश एयर के जैसे ही है, पर ये टॉयलेट सक जो टॉयलेट्स लग बने हुए हैं उनके अंदर फ्रेश उनकी स्मेल क्या बोलते हैं उनकी बैड एयर खींचने के लिए तभी बदबू हो जाएगा। रही बात कूलिंग टावर्स की, इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो कूलिंग टावर्स का क्या काम होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रेशराइज मोटर है, जो कभी हमारे नलों में जो बिल्डिंग में लगे होते हैं उनमें फुवारा होता है, उनमें पानी का प्रेशर डाउन हो जाता है, उनको चला के मेंटेन किया जाता है। वैसे इतनी हाइट पे रखे हुए हैं टैंक तो ऑलरेडी उनमें प्रेशर होता है वाटर का, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से करते हैं नीचे, और कुछ दिखाना यहाँ बाकी है नहीं। तो चलो हम लोग नीचे, क्योंकि उतने टाइम हम लोग आए थे तो हम लोगों ने नीचे में आ चुका हूँ नीचे। एयर हैंडलिंग यूनिट
पैनल है, हैं?
वाटर बॉटल, ये जो इक्विपमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आपको आउटडोर यूज वगैरह दिखा रहा हूँ। इसके बारे में सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम चलेंगे ऊपर, आपको ऊपर दिखाएंगे जाके ये पैनल, देर में चार्ज होता था, 4.5 घंटे लगते थे, हद है इन्वर्टर से भी ज़्यादा टाइम लेता था, परेशान हो गया था, पर काफ़ी मशक्कत की बात फ्लिपकार्ट से वो फ़ोन मेरा रिटर्न हो गया और मेरा पैसा रिफंड हो गया। फिर मैंने कुछ पैसे और एक्स्ट्रा दे के थोड़ा उसी में थोड़ा 1000 रुपये महंगा फ़ोन खरीद लिया। महंगा तो है मेरे लिए काफ़ी, और ये है मेरे ब्लॉगिंग के लिए ठीक है। बाइक खड़ी बैक साइड पार्किंग है। अब आप ये पूछेंगे ग्रीन कलर में क्या लगे हैं, ये डीजी फॉर डीजल जनरेटर्स बिग साइज, ये 250 KVA का है, ये 250 KVA का है, ये वाला 500 KVA का, वो उधर वाला 625 KVA का है। आपको 20वीं रूम दिखा देता हूँ, मीटर रूम का, इधर आती है 20वीं मीटर में इलेक्ट्रिक मीटर है जो हमारा। उसके बाद ये 20वीं बात है जिसे बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जहाँ से हम सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं अगर बिल्डिंग के अंदर कोई ट्रांसफार्मर में काम हो रहा है तो। ये सेफ्टी पर्पस के लिए लगाई जाती है, जहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं। हमें आप जंबो जेट, ये बहुत ज़्यादा तेल पीता है, तकरीबन 80-90 लीटर 100 लीटर भी पी जाता है एक घंटे में, इतना बड़ा है नहीं वो, इतना तेल पिएगा इतना बड़ा जनरेटर है तो। ये देखो कितना छोटा लग रहा है उसके सामने, और ये देखो भाई बेड भाई कितना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है तो खुराक भी ज़्यादा होगी इसकी, तो भाई सीधी सी बात है ना, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा खाएगा पिएगा। यहाँ से ऐसी चीज जा रही है, और ये मेरी कंपनी का आउट व्यू है बाहर, वो हमारे जिसमें मैंने फोकस किया वो हमारे एयर एसटीपी लोअर कंप्रेसर है, लोअर है। मैं आपको ये बड़ा वाला डीजी में खोल के दिखाता हूँ, बड़ा वाला जनरेटर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये देखिए ये वी टाइप में है, सब कुछ इसमें डबल है, जो आपको वी टाइप का मतलब होता है इसमें डबल होते हैं इस टाइप। ये देखिए आधा इंजन इधर है, मतलब तेल ज़्यादा खाता है इसमें, हर एक चीज़ डबल है, सिंगल अल्टरनेटर होता है क्योंकि इससे ज़्यादा पावर चाहिए। देखिए देख सकते हैं आप सारा चीज़ इसमें डबल है। इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा, हमारा होगा चैप्टर 1 ब्लॉक 3, ब्लॉक 2 जाएगा अब वो ब्लॉक 3 होगा। आपको दिखा देता हूँ,
यार ये स्मोक था हमारा ट्रांसफार्मर ऑन है, इस पर लोड क्या ऑन लोड। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि ट्रांसफार्मर करंट मार देगा, करंट मार देगा, जबकि एक ही मिथक होता है। देखिए मैं इसे सब जगह छूता हूँ, सप्लाई केवल इसकी बस बार में होती है, बस बार अगर कहीं कनेक्ट है ठीक की जाए तो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, वह ऐसे कहीं छूने पर इसे करंट नहीं मारता है, ये सब मिथक है। जो इसकी ओपन एरिया है उसे अगर छूओगे जैसे इसमें कहीं भी नहीं, जो इसकी बुशिंग निकली थी केवल सप्लाई उसी पे होती है। बाकी ये जो इसकी देख रहे हो ये फेंस है, इसमें जो ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसे ठंडा करने के लिए, इसमें कुछ नहीं होता भाई, सिंपल होता है, ऊपर से ऑयल जाता है नीचे गिरता है, फेंस से होते हुए ठंडा हो जाता है, इसमें एयर लगती है, तो ये नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर है। इसे नेचुरल कूलिंग बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल टाइप से कूलिंग करता है। देखिए फेंस है रेडिएटेड टाइप, अभी देखिए इतनी पतली पतली उसमें से गर्म ऑयल आएगा, ये देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें वो नेचुरली ठंडा हो जाएगा, ऊपर से गर्म ऑयल आया और नीचे बहते बहते हवा नीचे इसके अंदर से गई, अपने आप ठंडा हो गया है ना, सिंपल ठंडा एकदम। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर हमारे सब जगह लगे होते हैं सेफ्टी पर्पज, बाई दे वे कितने आग वगैरह लगती है वहाँ ढूंढते फिरोगे। जी क्या हो गया, पानी आया हाँ देख लूंगा मैं, ठीक है खत्म करते हैं इस ब्लॉग को। मुझे साइकिल से बड़ा प्यार है, मैं कारों वगैरह से नहीं है, बाइक से भी है पर इतना नहीं, बचपन से साइकिलों से ही ज़्यादा लगा हुआ। तो अभी भी अपनी कंपनी का रिसेप्शन दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा है व्यू देखिए जरा, मैं थोड़ा सा मूड